Subscribe to our YouTube channel and don't forget to press the bell icon to get all the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं मौजे स्टोरी, मैं हूं मदन लाल। वर्ल्ड का एक ऐसा बिजनेस है जिसका नाम है ब्यूटी पार्लर, जिसमें करोड़ों लोग जुड़े हुए हैं, मगर कोविड ने इस कदर इनके ऊपर कहर ढाला है। इंडिया में कोविड आया, उसके लॉकडाउन होने के बाद लॉकडाउन खुला तो सबका बिजनेस चला, फिर से लॉकडाउन हो गया, मगर ये ब्यूटी पार्लर कभी भी नहीं खुला, ये बंद रहा। ब्यूटी पार्लर के जितने वर्कर हैं, जितने कर्मचारी हैं, आज उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई है कि खाना खाने तक का पैसा नहीं है, और ब्यूटी पार्लर हमेशा रेंट पे ही खुलता है। आज इतना वो लोग दर दर भटक रहे हैं, उन लोगों से मैं बात करूँगा, उनसे समझने की कोशिश करूँगा कि क्या क्या उनको तकलीफें हैं। क्या नाम है? रितु। अच्छा मैम, बताइए, पार्लर बंद हुए 1.5 साल हो गया, बीच में जब लॉकडाउन खुला था तो सबको काम मिला, और पार्लर ऐसा चीज था कि पूरा ही बंद रहा, तो अभी आप लोगों को क्या क्या दिक्कत है? दिक्कत ही है, हमारे पास कोई काम नहीं है करने के लिए। हम लोगों के, हमारी पूरी फैमिली हम लोगों के ऊपर डिपेंड है। जब हम लोग घर पे बैठ गए तो हमारे बच्चे, हमारे परिवार पूरा सरवाइव कर रहा है इसमें। यहाँ तक कि और लोगों को तो थोड़ा बहुत काम मिला, हमें तो वो भी नहीं मिला। लोग हमारे पास आने से डरते हैं, उन्हें लगता है कि हम लोग अपने हाथों से काम करते हैं, अपने मुँह से काम करते हैं, तो हमारे से वैसे ही 6 फीट की दूरी रखनी है, कैसे करें? इसीलिए हमारा काम मिला नहीं हमें। घर में हमारे खाने पीने, यहाँ तक कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमें रेंट की आई। खाना पीना तो हम लोग जैसे भी कर लेते थे, पर शेल्टर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। जबकि आपको पार्लर भी रेंट पर लेना पड़ा? रेंट पे ही है, कोई भी सैलून वाला का अपना पार्लर नहीं, अपना नहीं होगा, सबका ही रेंट पे है। सैलून इंडस्ट्री पूरी रेंट पे है, और यहाँ जो लैंडलॉर्ड है उन्होंने थोड़े से भी पैसे कम नहीं करे। और जगह तो रेंट पे 50% कर दिए थे, सैलून के काम में किसी ने भी 50% नहीं करे। तो मैम, आपको क्या लगा था कि जब आप यंग थी तो क्या लगा था कि आपको यही काम हमें सीखना चाहिए? बिल्कुल, हाथ का हुनर था हमारा, और कोई मेल पर्सन हमारे साथ इसमें इन्वॉल्व नहीं था। और हर किसी को लगता था कि भैया मेल पर्सन नहीं है इस काम के लिए, खाली लेडीज का काम है ये। तो सबने अच्छा ही बोला था, बट आज के टाइम पे लगता है कि चूज किया, बहुत गलत किया, क्योंकि 1.5 साल से इस बिजनेस से हमें थोड़ी सी भी इनकम नहीं हुई। इवन हमारा जो भी चला, उधार लेके लाइफ चली है। अगर एक लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है, कभी एक हफ्ता बढ़ता है, दो हफ्ता, फिर एक महीना, अभी भी हमारा लॉकडाउन बढ़ने, ये खत्म होने वाला है 31st को, इसके बाद अगर बढ़ जाता है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा? हम लोग क्या करेंगे? सैलून लाइन ही छोड़ेंगे, और हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं। हम तो किसी भी फील्ड में काम करना चाह रहे हैं, बट सैलून में ये है कि आप सैलून वर्क के अलावा कोई और काम कर ही नहीं सकते। हम तो गवर्नमेंट, हम लोग अपने जो भी हमारे सीनियर्स हैं, हम तो यही चाहते हैं कि किसी तरीके वो हमें बताएं कि हमें करना क्या आगे, कैसे हम सर्वाइव करें, क्या करें। और लोगों को तो सब कुछ मिला, बट सैलून लाइन में किसी को कुछ नहीं मिला, ना राशन की तरफ से, ना पैसे मंथली, ना कुछ। और मेरे जैसे बहुत सारे लोग बेरोज़गार हो गए, और मेरे ख्याल से आधे से ज़्यादा 50% लोग सैलून लाइन में हैं। क्लाइंट को कभी आपने फ़ोन किया कि मुझे मदद कीजिए? क्लाइंट को मैंने काम के लिए बहुत फ़ोन किया कि भाई कोई भी जैसे काम हो, हम लोग पीपी किट वगैरह पहन के, या डिस्पोजेबल मास्क वगैरह, ग्लव्स पहन के, सारा हम लोग अपनी पूरी प्रिकॉशंस लेके विद सैनिटाइजर से हम लोग काम करेंगे, बट नहीं, सबने एक ही बोला, नहीं रितु अभी टाइम नहीं है ऐसा, अभी जब काम खुल जाएगा तो तब। मैंने ये भी बोला कि कुछ एडवांस हमें दे दीजिए, जब काम खुलेगा तो उसमें एडजस्ट कर लेंगे, बट एडवांस सबके पास वो यही कहते हैं कि हमारे पास भी काम नहीं है। किसी ने कोई नहीं दिया, कुछ नहीं। हमने अपना सेल आउट भी करने की कोशिश करी कि प्रोडक्ट सेल हो जाए, इवन प्रोडक्ट भी सेल नहीं हुए हमारे। क्या नाम आपका? प्रियंका। प्रियंका जी, बताइए क्या दिक्कत हो रहा है? सर, हमारे कस्टमर नहीं आ रहे हैं,
हमारा रोजगार चलता है, हमारा खाना चलता है, वो सैलून से चलता है, और हमारे पास अब कस्टमर भी नहीं आ रहे हैं, तो हमारी सैलरी भी नहीं मिल रही है टाइम से, तो हमें बहुत दिक्कत आ रही है इससे लॉकडाउन में। तो अभी तो आप यंग है, आप कैसे सोचा कि हमें भी पार्लर एक काम सीखना चाहिए? आपने और कुछ नहीं सोचा कि कोई और काम सीखे? हाँ सर, ये तो है, सोचा था, मरती था कि आप फिर सीख लेते हैं, थोड़ा हाथ का हुनर है, और सीखा था हम लोगों ने कि थोड़ा हाथ का हुनर है, फिर आगे जाके हम थोड़ा जॉब कर सकते हैं इस लाइन में। अब पता नहीं था कि ऐसा हो जाएगा, लॉकडाउन लग जाएगा, इतनी बीमारी हो जाएगी, इतने घर में प्रॉब्लम्स आएंगी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। अच्छा, पार्लर आपने जब सीखा था तो पैसे दे के सीखा था? हाँ जी। कोचिंग किया था? हाँ जी। कितना पैसा लगा था बताइए? पार्लर जब आपने पार्लर के लिए काम सीखा तो इसमें पैसे देना पड़ा था? हाँ जी, 20,000 रुपये। जी। मतलब आपने डिप्लोमा लिया ना? हाँ जी। तो अब क्या लगता है कि ये काम आपको छोड़ना चाहिए? हाँ जी सर, अब लग रहा है कि काम छोड़ना चाहिए, क्योंकि इसमें ना ही तो कोई इनकम है, कुछ नहीं है। घर से कोई हेल्प मिलता है आपको? आप कमाती हैं तो पैसे किसको, मतलब घर पे खर्च करती हैं? हाँ जी, घर पे देते हैं। माँ बाप के ऊपर देती हैं? हाँ जी, देते हैं। तो आपको अब क्या लग रहा है कि ये सब अब तो कमाई है नहीं बिल्कुल? हाँ सर, अब तो कमाई नहीं है, छोड़ना पड़ेगा अभी ये लाइन, कहीं और देखेंगे किसी और लाइन में पार्लर का, क्योंकि पेरेंट्स भी हमारे ऊपर डिपेंड है। क्या नाम है आपका? नेहा। नेहा जी, बताइए, क्या आप ब्यूटी पार्लर का कोर्स किया? जी। और अभी कोविड ने बिल्कुल खत्म कर दिया जी, है जी। तो आप कैसे सरवाइव कैसे कर रही हैं? घर का खर्चा वर्चा कैसे चल रहा है आपका? सर, बहुत प्रॉब्लम चल रही है। पार्लर बहुत पहले सीखा था, शौक भी था, तो सोचा कि लाइफ बना देगा, पर ये थोड़ा ना पता था कि बीमारी आ जाएगी, और इससे तो हमारी प्रॉब्लम और ज़्यादा हो रही है। अब समझ में नहीं आ रहा कि घर कैसे चलाएं, आगे फ्यूचर कैसे बनाएं, तो इसलिए हम तो यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट कुछ करे, या तो लॉकडाउन पे कुछ करे, या फिर हमारी सैलरी वगैरह दे टाइम पे। तो क्लाइंट, क्या क्लाइंट से कभी बात हुआ जी? कोई क्लाइंट फोन किया कि हमारा आके घर पे कर दो? जी नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि सब डरते हैं, आप कोई बुलाने से डरता है, कस्टमर आने से डरते हैं यहाँ पे। जी। कोविड ना हो जाए। जी। और बताइए, मतलब आपकी क्या और क्या क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम तो सर बहुत सारी हैं, पर सरकार समझे तब ना। अच्छा, एक बात बताइए, आप जब पढ़ रही थी तो आप क्या बनना चाह रही थी? बहुत कुछ। क्या कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लग रहा था? मुझे पॉलिटिकल लाइन में जाना था वैसे। पॉलिटिकल लाइन? जी। और पॉलिटिकल लाइन में छोड़ के आपने पार्लर काम सीखा? जी, क्योंकि वो हमारा पैशन था, तो सोचा कि शायद लाइफ बना दे आगे चल के, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि गवर्नमेंट जॉब ही सब कुछ पैसे कमाते हैं, नहीं, ऐसे पार्लर लाइन में भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं, पर ये नहीं पता था ना कि ऐसी कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी। तो अब आगे क्या पार्लर काम छोड़ के कुछ एजुकेशन की तरफ जाना चाहेंगी, पढ़ाई? अगर गवर्नमेंट नहीं समझेगी तब तो कुछ लाइन छोड़नी पड़ेगी, फिर तो कुछ और सोचना पड़ेगा ना सर। तो आप पढ़ाई की तरफ जाओगे वापस? जी, वापस जाना पड़ेगा, अब जॉब है नहीं, कुछ छोटे मोटे काम भी देखने पड़ेंगे। अब घर में मम्मी पापा क्या बोलते हैं? यही बोलते हैं कि अगर पढ़ लेते थोड़ा बहुत तो ठीक रहता, ये काम नहीं करना पड़ता, गवर्नमेंट जॉब लग जाती। क्या नाम है आपका? कंचन। कंचन जी, बताइए। हाँ जी। क्या दिक्कत हो रहा है लॉकडाउन से आपको? बहुत दिक्कत हो रही है सर लॉकडाउन में तो। जैसे बच्चों के स्कूल भी बंद हैं, हमारे पार्लर्स भी बंद हैं, तो फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम आ रही है सर। तो इसके लिए अब कहीं से कोई कुछ मिल ही नहीं रहा है हमें, कोई सपोर्ट ही नहीं हो रहा है, और काम भी नहीं है हमारे पास कुछ भी, तो रेंट वेंट देने में भी बहुत दिक्कत आती है, क्या करें, बच्चे भी बहुत सफ़र कर रहे हैं इसमें। आपके जो पूजी था बैंक में वो कुछ नहीं है सर, अब सब जीरो हो चुका है, और हालांकि ऊपर ही हो गया है, सबसे कर्जा भी ले चुके हैं हम, क्योंकि ये 2 साल होने जा रहा है, 1.5-2 साल अब तो काम ही नहीं है सर बिल्कुल, बहुत दिक्कत आ रही है। लॉकडाउन में आपने कुछ बेचा घर का सामान? सर, अपने जो भी एक आध चीज़ें बनवाई थी वो भी बेच दी सर, गोल्ड की जो भी है, बाकी घर तो है ही नहीं, जो घर भी बेच देते, तो बहुत दिक्कत आ रही है सर।
और कोई हेल्प नहीं मिल रही है किसी से भी, बहुत दिक्कत आ रही है। अभी लॉकडाउन बढ़ता जाएगा तो क्या करेंगे? तो सर कोई सहारा नहीं है, लोग तो गांव भी भाग रहे हैं, हमारे पास तो कोई गांव भी नहीं है सर, हम तो यहीं पे यहीं पैदा हुए, यहीं मर जाना है हमने, कुछ है ही नहीं हमारे पास। जिनके पास गांव है सर वो तो गांव जा रहे हैं, हमारे पास तो गांव भी नहीं है, तो हम जैसे लोग क्या करें? तो सरकार से यही है कि हम जैसे लोगों के लिए कुछ करें, हम अकेले नहीं हैं, बहुत है हमारे जैसे, तो हमारे लिए कुछ करें, और कुछ नहीं कर सकते हैं तो कृपया ये लॉकडाउन तो खोल ही दें, और ताकि हमारा काम आए, हमें उनसे पैसा नहीं चाहिए, हमें हमारा काम चाहिए, बस हमें हमारा काम दे दीजिए, हम खुद कमा के खा लेंगे, हमें किसी के पैसों की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं फील होता कि आपने ब्यूटीशियन मतलब एक कोर्स है ब्यूटीशियन का? हाँ जी सर। आपने कितने लड़कियों को आपने मेकअप कर किया? बहुत सर, इतना अब तो हमें खुद को याद नहीं है कि हम ब्यूटीशियन का काम जानते हैं कि नहीं, क्योंकि काम ही नहीं है, तो हमने काम किया ही नहीं है, क्लाइंट आ ही नहीं रहे हैं, तो क्या कर सकते हैं, आने वाले कल में हम भूल जाएंगे कि हम ब्यूटीशियन भी थे, लगता ही नहीं है कि हम ब्यूटीशियन थे, और थे में है में बहुत फ़र्क होता है सर, तो आने वाला कल हमें समझ में नहीं आ रहा क्या है, और इसको लेकर हम बच्चों को क्या देंगे वो नहीं पता चल रहा है, तो बहुत कंफ्यूजन है और समझ से बाहर हो गई ज़िंदगी। ऐसे में तो फिर वही है ना, लास्ट होता है इंसान जो ये गलत होता है ना कि खुदकुशी वगैरह कर रहे हैं, ये सब भी करते हैं लोग, बहुत डिप्रेस हो जाते हैं, तो बाकी आप समझ ही जाइए। सर पूरा दिन तो खैर सब चीज़ में बिजी हो जाते हैं, पर जब शाम को अगले दिन का सोचते हैं तो ये पता नहीं चलता है कि अगले दिन क्या होना है, और बहुत बता रही ना आपको, बहुत सर में मतलब सोच में पड़े रहते हैं कि अब क्या होगा। जब से लॉकडाउन हुआ उससे पहले आपको बहुत सारे घर में अच्छे अच्छे खाने मिलते होंगे? हाँ जी सर। अभी तो कमाई नहीं, इनकम नहीं है, तो आपने बढ़िया खाना कब खाया होगा? सर बताया था, जब ब्यूटीशियन ही भूल गए हम, तो खाने का तो कुछ सवाल ही नहीं है, जो मिल जाए भगवान की दुआ से वही बहुत है, तो उसी में खुश हैं और कुछ नहीं। खाना भी ठीक से नहीं मिलता? नहीं सर, बहुत प्रॉब्लम आ रही है। आपके जैसे कितने लोग होंगे? बहुत लोग हैं सर, जहाँ हम काम कर रहे थे वहाँ भी हम 7-8 जने थे, हमारा एक ग्रुप था वहाँ, अब 7-7 जनों का भी अगर कहीं से टूटा है ग्रुप तो कितने लोग बेरोजगार हुए हैं आप समझ सकते हैं, तो हम सबके तो नहीं बता सकते, पर आप भी थी तो हम बता ही सकते हैं ना कि हम बहुत सफ़र कर रहे हैं इसमें, एकदम आप जॉबलेस हो गए हैं। बिल्कुल सर, और कोई हेल्प भी नहीं मिल रही किसी की, पता नहीं गवर्नमेंट किसको दे रहे हैं क्या दे रहे हैं, हमको तो कुछ नहीं मिला है, नहीं जो ये दिखाते हैं न्यूज़ में कि हमने ये दिया वो दिया, हमको कुछ नहीं मिला है, हम बाई फेस बोलने को भी तैयार हैं, हम तो कुछ मांग भी नहीं रहे, हम तो कह रहे हैं हमारी जॉब दे दो और कुछ नहीं चाहिए, इतना ही कहना है सर। आपको कोविड से डर लगता है? सर कोविड से ज़्यादा ये बेरोजगारी से डर लगता है। हाँ जी सर, कोविड से मरे ना मरे बेरोजगारी से मर जाएंगे। आपने कितने सारे लोगों को आपने मेकअप किया होगा, तो उनमें से कोई याद करता आपको? मेरे ख्याल मेरी पूरी लाइफ ही सैलून लाइन में कटी है, मैं आज 20-22 साल से इस इंडस्ट्री में हूँ, जो अब मैं फेस कर रही हूँ मैंने लाइफ में कभी नहीं किया, और मैंने ऐसे ऐसे लोगों को तैयार किया एकदम चेंजेस, क्या फेस होता था और क्या कर देते थे, बट आज जब उन लोगों से भी बात करो तो कोई हेल्प के लिए आगे नहीं आता, और मुझे तो लगता है कि कभी ये ब्यूटी हेयर इंडस्ट्री खुलेगी तब तक आधे से ज़्यादा एम्प्लॉय तो इधर उधर हो चुके होंगे, तब हमें एम्प्लॉय ढूंढने में भी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा काम भूल रहे हैं, जिसको जो मिल रहा है वो उसी लाइन में जा रहा है, बट ये मुझे अब तो इसका बिल्कुल एंड ही लग रहा है लाइफ का, ऐसे लग रहा है ब्यूटी इंडस्ट्री बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी अब, और अगर थोड़ा टाइम तक और ये लॉकडाउन रहा तो सब लोग बिखर जाएंगे। तो आप चाह रहे हो कि लॉकडाउन खुल जाए? बिल्कुल चाह रहे हैं लॉकडाउन, हमें अब इतना ज़्यादा कोरोना से डर नहीं लग रहा, बेरोजगारी से ज़्यादा डर लग रहा, थोड़ा टाइम और नहीं रहा तो अब तो घर की बहुत सारी चीज़ें बिक चुकी हैं, पता नहीं क्या हो जाए, बड़े से छोटा, छोटे से छोटा, छोटे अब इतने छोटे से उसमें हम लोग आ चुके हैं, अब ये भी हमें लगता है कि ज़्यादा देर तक नहीं रहेगा, ये भी चला जाएगा, और थोड़ा टाइम अगर ये रहा लॉकडाउन तो। और ऐसा लगता है कि बहुत सारी कंपनियां ऐसा प्रोडक्ट बना दिया है
जो घर पे ही अपना आपका लाइन में लाइन खत्म होने जा रहा घर पे ही वो लोग लगा लेते हैं। हाँ, बहुत सारी अब जैसे अर्बन क्लब है, अर्बन क्लब में आप होम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, बट सबसे बड़ी बात अर्बन क्लब में होम सर्विसेज प्रोवाइड तो कर रहे हैं, 45,000 रुपये पहले उन्हें दे के हम लोग अर्बन क्लब ज्वाइन करते हैं, उसके बाद हमें कस्टमर मिले या ना मिले वो 45,000 हम कहाँ से लाएंगे। वो कहते हैं कि आप अपने इनकम में से 20% 30% हमें दो, बट ऐसा नहीं होता। मैंने देखा है वहाँ पे 50% वो अपना ले लेते हैं, उसके बाद हमें कहाँ पे भेज दें, कोविड वाले सेक्शन में भेज देते हैं, कोविड होता है क्लाइंट को वहाँ पे हम लोगों को सर्विसेज देने जाना पड़ता है। तो मेरे ख्याल से जो भी है हम अपना ही करना चाहेंगे, अर्बन क्लब तो नहीं, बिल्कुल नहीं, वहाँ सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। मैंने इन लोगों से बात किया और इनसे समझने की कोशिश किया, आपने देखा होगा। आप बने रहिए मुझे स्टोरी के साथ, मैं हूँ मदनलाल। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Vojo Story and support independent, robust journalism.